Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about camber. So camber is a very important crucial characteristic of a pavement. When we talk about pavement, जब हम पेवमेंट की बात करते हैं तो उसमें कैम्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. कैम्बर को हम क्रॉस स्लोप भी कहते हैं. सो कैम्बर इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस स्लोप. सो लेट्स बिगिन विथ कैम्बर. तो कैम्बर की अगर हम बात करें तो कैम्बर क्या होता है? कैम्बर एक बेसिकली ट्रांसवर्स स्लोप है. सो कैम्बर इज अ ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड. तो अगर हम कैम्बर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज अ ट्रांसवर्स स्लोप. इट इज अ ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन अ रोड. ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड. ऑन द रोड अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्स स्लोप क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स स्लोप होता क्या है. तो जैसे सपोज ये मेरी रोड है और हमारी एक कार मूव कर रही है. तो कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. सो इन द डायरेक्शन इन विच कार इज मूविंग इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. एज वेल एज जो डायरेक्शन हमारी मूवमेंट के, जो कार व्हीकल जो मेरा मूवमेंट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन. सो द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट डायरेक्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन. ट्रांसवर्स डायरेक्शन. तो ये जो ब्लू कलर से हमने शो किया है ये ट्रांसवर डायरेक्शन है. सो ट्रांसवर स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड. अब हम अगर बात करते हैं कि क्यों प्रोवाइड की जाती है, सो इट इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वॉटर. टू ड्रेन ऑफ द ड्रेन ऑफ रेन वॉटर. तो जो हमारा रेन वॉटर है, जो वॉटर है हमारा, उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए जो हम ट्रांसवर स्लोप प्रोवाइड करते हैं, दैट काइंड ऑफ स्लोप इज कॉल्ड क्रॉस स्लोप और कैम्बर. कैम्बर. तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से मीजर किया जाता है, तो इट इज बेसिकली मीजर इन वन इन एन. सो हाउ इट इज मीजर? तो अगर हम मीजर लिखें किस तरीके से मीजर करते हैं, तो इट इज रिटन एज वन इन एन. वन इन एन लिखते हैं या फिर और एन परसेंटेज. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है, तो अगर वन इन एन लिखते हैं तो एग्जाम्पल लिया मैंने जैसे 2%. तो 2% है तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, 2/100. अगर मुझे अभी इसे 1 इन n में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, इस न्यूमरेटर जो 2 है इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं, एक ही बात है. तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/100/2. तो ये जो है मेरा 1 इन n के फॉर्म में आ जाएगा, तो इट विल बिकम 1/50. एंड हियर व्हेन वी कंपेयर इट विद 1 इन n, तो क्या हो जाएगा मेरा, 1:1:50. तो ये जो मेरा है इस तरीके से हम इसको शो करते हैं. तो ये जो भी है मेरा फॉर्म शो करने का, दिस इज वॉट क्रॉस स्लोप और कैम्बर. तो हम किस तरीके से देंगे कि 2% को हम किस तरीके से शो करते हैं, 1 in 50. अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 1 in 50 का मतलब, तो ये होता है, इसका मतलब होता है राइज अपॉन रन. सो इट मीन्स राइज अपॉन रन. अब राइज अपॉन रन का मतलब क्या है, जैसे ये डायग्राम देखना पड़ेगा कि इट इज लाइक 1 in n. 1 in n का मतलब क्या है कि अगर मैंने 50 स्टेप्स आगे मूव करी, मैंने 50 स्टेप्स आगे रन किया मैंने, तो हमें कितना राइज देखने को मिलेगा, 1. तो ये कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर. अगर 50 सेंटीमीटर मैंने वॉक किया तो मुझे 1 सेंटीमीटर का राइज देखने को मिला. तो व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक 1 in n मींस 1/n मींस कि राइज अपॉन रन. इसी को हम एंगल में बोल सकते हैं, ये थीटा भी हो सकता है, करेक्ट. इट विल बी 10 थीटा. 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1/n, 1/50. तो राइज इन राइज अपॉन रन. तो इसको इस तरीके से शो करते हैं. तो ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ड्रेन ऑफ द रेन वाटर एंड इट इज मीजर्ड इन 1 in n. वहीं पे अगर हम बात करें कि कैम्बर दिखता कैसे, तो रियल लाइफ में कैम्बर इस तरीके से दिखता है. तो आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है उसको येलो एरो से शो किया, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है. दिस इज वॉट, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. वहीं पे अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, तो जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लू कलर से शो किया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्लोप. ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया है, दिस इज ट्रांसवर्स स्लोप एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप. तो इसी को हम कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप बोलेंगे. सो दैट कि वाटर आएगा तो जल्दी से ड्रेन ऑफ हो जाए. यहाँ पे शोल्डर होता है, शोल्डर के बाद एक ड्रेन ऑफ होता है, यहाँ पर ड्रेन ऑफ होल्स होते हैं उसमें चले जाएगा. सो वॉट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर. अगर कैम्बर के एडवांटेजेस की बात करें, तो पहली बात तो ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू ड्रेन ऑफ वाटर. ड्रेन, पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए जो हमने ड्रेन ऑफ वाटर, तो वाटर जो है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए हमने कैम्बर को प्रोवाइड किया, क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड किया. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले अगर वाटर ड्रेन ऑफ हो जाएगा तो जो हमारी पेवमेंट है वो क्विक ड्राई हो जाएगी. सो द पेवमेंट विल बी क्विक ड्राई.
क्विक ड्राइंग ऑफ पेवमेंट, तो पेवमेंट मेरी जल्दी सूख जाएगी, पानी उसमें से जल्दी रन ऑफ हो जाएगा तो वो जल्दी सूख जाएगी। वहीं पे अगर दूसरा एडवांटेजेस देखा जाए, तो एडवांटेज देखा है दूसरा, तो क्या होगा, जब क्विक ड्राई हो जाएगी तो वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी, इट विल इंक्रीज द सेफ्टी, सेफ्टी विल इंक्रीज। किस किस टर्म में सेफ्टी इंक्रीज होगी, तो स्किड और स्लिप के चांसेस विल बी रिड्यूस, तो स्लिप और स्किड से बच सकते हैं, स्लिप और स्किड, स्लिपिंग का कंसर्न जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्लिपिंग विल, स्लिप विल रिड्यूस। तो स्लिप अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो सब ग्रेड है उसकी भी सेफ्टी को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सेफ्टी प्रोटेक्शन टू सबग्रेड। अगर हम बात करते हैं सबग्रेड की, तो ऊपर सबसे ऊपर हमारा पेवमेंट होता है, उसके बाद हमारा नीचे जो है सबसे नीचे जो लेयर होती है वो हमारी सबग्रेड की होती है। जब सबग्रेड की बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ मड, जो सबग्रेड है वो मेरा मड का बना हुआ है। वहीं पे जो वाटर है, अगर सपोज हमने कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया तो जो वाटर ऊपर कलेक्ट हुआ है वो क्या होगा, नीचे आने लगेगा, इट विल बी सीपिंग आउट, और वो नीचे आने लगेगा और मड के संग जाकर फॉर्म कर लेगा स्लरी। जब स्लरी फॉर्म कर लेगा, सो इट विल फॉर्म स्लरी। अगर स्लरी फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो पेवमेंट की स्ट्रेंथ है वो क्या करने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो जो हमारे स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगेगी, स्लरी फॉर्म होने लगेगा तो डिक्रीज होने लगेगी। दैट्स व्हाई कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर। देखो वाटर हटाने के लिए कितने सारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिले। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि कैम्बर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो कैम्बर डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर पर कैम्बर हमारा डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स अपॉन, अगर हम कैम्बर की बात करते हैं तो डे डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। और अगर उन फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला क्या है कि रेनफॉल, रेनफॉल किस तरीके की रेनफॉल है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, और हमारा पेवमेंट का जो सरफेस है वो किस तरीके का है, तो टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, पेवमेंट का जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का सरफेस है, और हमारा रेनफॉल है उस पर डिपेंड करता है। तो देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच कैम्बर डिपेंड ऑन। वहीं पर अगर हम कैम्बर की बात करते हैं तो किन किन टाइप के कैम्बर होते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैम्बर। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैम्बर। तो टाइप्स ऑफ कैम्बर, अगर हम कैम्बर के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट कैम्बर। अगर हम सबसे पहले कैम्बर की बात करें तो जो हम कैम्बर होता है वो हमारा होता है स्ट्रेट कैम्बर, सबसे पहला होता है स्ट्रेट कैम्बर, स्ट्रेट कैम्बर। अगर सबसे पहले कैम्बर की बात करें तो स्ट्रेट कैम्बर होता है। स्ट्रेट कैम्बर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्म होता है कि स्ट्रेट कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन विच काइंड ऑफ पेवमेंट, या फिर फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट विच काइंड ऑफ कैम्बर इज प्रोवाइड। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन टू कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। तो ये पहली बात, किस तरीके की पेवमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये इस तरीके से शो होता है, लेट मी ड्रॉ इट। ओके, सो इट सीम्स लाइक दिस। तो ये जो मेरा डब्ल्यू, जो मेरा नीचे का पार्ट है इसको हम डब्ल्यू से शो करते हैं, डब्ल्यू इसका ब्रेथ है हमारी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है वन इन एन, ये जो एंगल होता है ये आपको पता ही है, वन इन एन में हम कैम्बर को शो करते हैं, तो वन इन एन में होगा ये गिवन राइज अपॉन रन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वर्टिकल वर्टिकल हाइट की, तो अगर हमें वर्टिकल हाइट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बीच में सेंटर में कट कर रहा है, तो इट विल बी डब्ल्यू बाई टू, तो डब्ल्यू बाई टू एन। जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर की, तो इट इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। ये इतने ज्यादा एग्जाम के एमसीक्यूज में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करता है हमें सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में। वहीं पे इस तरीके से शो करते हैं कि थोड़ा ज्यादा एज बना दे, तो वन इन एन इज द क्रॉस स्लोप एंड डब्ल्यू बाई टू एन इज द वर्टिकल हाइट। और वहीं पे अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें तो ये जो डब्ल्यू है वो मेरा क्या है, विड्थ है। वहीं पे दूसरा होता है हमारा पैराबोलिक। अगर दूसरे कैम्बर की, दूसरे शेप की बात करें तो सेकेंड वन इज पैराबोलिक। सो सेकेंड वन इज पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर। वेल पैराबोलिक कैम्बर की बात करें तो पैराबोलिक कैम्बर दिखता कैसे है, लेट मी ड्रॉ इट। सो पैराबोलिक कैम्बर इज लाइक लिटिल बिट अ पैराबोला। तो अगर हम ये बात करें तो ये वो स्ट्रेट लाइन था और ये पैराबोला है। तो W, ये तो हमारा जो, ये हमारा क्या होगा, विड्थ होगी W, इसको तो W से शो करेंगे। और ये होता है हमारा पैराबोला के शेप में होता है। वेल अगर इसकी बात करते हैं, ये किसको कब प्रेफर किया जाता है, तो इट इज बेसिकली प्रेफर व्हेन
फास्ट मूविंग व्हीकल, हमारे फास्ट मूविंग व्हीकल जो होता है उनके लिए यूज किया जाता है। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए पैराबोलिक कैम्बर यूज किया जाता है, क्योंकि ऑफन फ्रीक्वेंटली ये लोग ओवरटेकिंग की प्रोसीजर करते हैं। ओवरटेकिंग ऑपरेशन जो है वो इसमें बहुत फ्रीक्वेंट देखा जाता है। सो फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट ओवरटेकिंग, क्योंकि ओवरटेकिंग की जो प्रोसेस है यहाँ पे, जो ऑपरेशन है ओवरटेकिंग ऑपरेशन, वो बहुत फ्रिक्वेंट देखा जाता है। इसलिए ये फास्ट मूविंग व्हीकल में, जब फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए पेवमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पैराबोलिक कैमर प्रोवाइड करते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कैमर की, जो अभी हमने देखा था, वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। सो फॉर स्लो मूविंग व्हीकल वी प्रोवाइड स्ट्रेट लाइन कैमर। स्लो मूविंग व्हीकल के लिए हम स्ट्रेट लाइन कैमर प्रोवाइड करते हैं। पर लेकिन हमारे जो रोड होते हैं, जो हमारा पेवमेंट है, वहां पर दोनों तरीके के व्हीकल को मूव करना है, दोनों तरीके के व्हीकल को मूव करना है, तो बेसिकली हम किस तरीके का कंपोजिट कैम्बर बनाते हैं। सो नाउ वी कम टू, जब हम दोनों, जो दोनों कैम्बर देखे हमने, स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोला कैम्बर, जब इनको फ्यूज कर देते हैं तो हमारा एक नया कैम्बर निकल के आता है, दैट इज नोन एज कंपोजिट कैम्बर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो बेसिकली अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर का फ्यूजन है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैराबोला देखने को मिलेगा, देयर विल बी पैराबोला, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर अगेन स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर विल बी फॉर स्लो स्लो व्हीकल, तो यहाँ पे स्लो व्हीकल मूव कर सकते हैं इस पोर्शन में, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं फॉर फास्ट व्हीकल, तो वो यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो फॉर फास्ट व्हीकल वी हैव प्रोवाइडेड पैराबोलिक कैम्बर, एंड फॉर स्लो व्हीकल वी हैव प्रोवाइडेड स्ट्रेट लाइन कैम्बर। वेल वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बहुत सारे एमसीक्यू में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैम्बर ऑफ शोल्डर, जो हमारा शोल्डर होता है, जो हम साइड में रोड के पेवमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं, उसे शोल्डर बोलते हैं, तो हम शोल्डर को भी समझेंगे। सो कैम्बर ऑफ शोल्डर इज या शुड बी एटलीस्ट, जो कैम्बर होता है हमारा शोल्डर का, वो जो हमारा रोड के पेवमेंट का शोल्डर है, उससे एटलीस्ट 0.5% स्टीपर होना चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि शोल्डर जो है वहां पर हम एक रफ मटेरियल यूज करते हैं, और अगर वो और ज्यादा स्टीपर नहीं होगा, मान लो जितना स्टीप कैम्बर प्रोवाइड किया उतना ही कैम्बर पेवमेंट पे प्रोवाइड किया उतना ही शोल्डर पे, तो क्या होता है, वो रफ मटेरियल है, वहां पे वाटर परकुलेट होने की, वहां पे वाटर को सोख होने की कंडीशन ज्यादा बढ़ जाएगी। दैट्स वाई द कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड बी एटलीस्ट 0.5% स्टीपर। जितना भी हमने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया है पेवमेंट में, उससे ज्यादा यहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, 0.5% स्टीपर प्रोवाइड करेंगे देन द पेवमेंट, तो जो भी पेवमेंट पे हमने कैम्बर प्रोवाइड किया है, उससे 0.5% स्टीपर हमने शोल्डर पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट एमसीक्यू है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हमने देखा था कैम्बर में दो इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है, क्योंकि कैम्बर दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर कैम्बर की बात करें तो कैम्बर बेसिकली डिपेंड अपॉन हैवी रेनफॉल एंड एज वेल एज ऑन द पेवमेंट सरफेस। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बना लेते हैं हैवी रेनफॉल, एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं हैवी रेनफॉल की, और यहाँ पर बना लेते हैं हम लाइट रेनफॉल की। तो डिपेंड, ये जो वैल्यूज हैं इसे हम याद करेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में कि अगर लाइट रेनफॉल है और हमारा वाटर बाउंड मैकेडम है, तो किस क्या कैम्बर की वैल्यू होगी, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो हम इनको याद करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ सरफेसेस, यहाँ पे हम सरफेस लिखेंगे वर्टिकल लाइन में, तो सरफेसेस लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा कंक्रीट पेवमेंट, सीमेंट कंक्रीट, या फिर हमारा हैवी बिटुमेन, या तो सीमेंट कंक्रीट या फिर हैवी बिटुमेन। दूसरा नंबर है हमारा लाइट बिटुमेन का, लाइट बिटुमेन। थर्ड नंबर इज वाटर बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम, WBM से भी इसको शो करते हैं, सो मैकेडम। एंड द लास्ट वन इज अर्थन रोड, अर्दन रोड, अर्दन रोड। तो यू कैन सी ओवर एयर कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ सरफेस पे और हमारे रेनफॉल पे, तो उसी के बेसिस पे हमने एक बना लिया है टेबल। तो अब इसकी वैल्यू लिखते चलते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो इसको लिखने का एक ही तरीका है जो याद किया था हमने। तो यू कैन सी ओवर एयर कि जो हैवी रेनफॉल है, इसके लिए जो है हमारी वैल्यू, इसको 2% देंगे, जो परसेंटेज में हम शो करते हैं, इसको 1/N से भी शो करते हैं। अगर 2% की बात करेंगे तो अभी मैंने करके दिखा था कि 2/100 जो कि 1/50 हो जाएगा। इसको फिर यहाँ पे क्या होता है, 0.5 से हम इसे इंक्रीज करेंगे, तो 0.5 इंक्रीज करेंगे तो 2.5, देन 3%, 2.5%, देन 3%, एंड अनदर वन इज अर्दन के लिए हम करेंगे 4%।
अर्धन के लिए करेंगे हम 4%। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले लिखना है, जो लाइट रेनफॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.75%, और जो यहाँ लिखा है उसको नीचे उतारते चलेंगे। सो इट विल बिकम 2%, देन 2.5%, एंड इन द लास्ट देयर विल बी 3%। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। तो आपको एक तो हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल बनाना है, और उसके बाद क्या है कि ये सरफेसेस को याद रखना है। सबसे ऊपर हमने लिखा है सीमेंट कंक्रीट या फिर हैवी बिटुमिन का जो सरफेस है, वेल सेकंड वन इज लाइट बिटुमिन, देन वाटर बाउंड मैकेडम, एंड देन अर्दन रोड। और हमने 2, 2.5, 3, 4, 1.75, ये 7 है, 1.75, 2% एंड 2.5 एंड 3%। तो हमने आज कैम्बर को देखा, तो कैम्बर इज बेसिकली प्रोवाइडेड, इट इज अ ट्रांसवर स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर, वाटर का ड्रेनेज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पे इसके एडवांटेज ये थे कि जो भी हमारा सबग्रेड है उसको बचा सकते हैं, स्लिप होने से बचाते हैं। तो बेसिकली सेफ्टी कंसर्न को इंक्रीज करता है, पेवमेंट की सरफेस को बचाता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेन कैम्बर की, तो कैम्बर हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर था जो कि स्लो मूविंग व्हीकल के लिए था, पैराबोलिक हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए था जिसपे ओवरटेकिंग ऑपरेशन अच्छे से हो सकती है। पर हमारे रोड पे दोनों तरीके के व्हीकल चलते, तो हमने कंपोजिट व्हीकल को बनाया था जिसमें बीच का पार्ट हमारा पैराबोलिक था, एंड दो साइड में जो पार्ट दिया था हमने वो स्ट्रेट लाइन कैम्बर था। और हमने ये भी देखा था कि जो कैम्बर है शोल्डर का, जो भी हम पेवमेंट पे कैम्बर प्रोवाइड करते हैं उससे 0.5% स्टीपर होना चाहिए। तो आज की कहानी हमारी कैम्बर की यहीं पे समाप्त होती है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।